Shut up and sit down. आजकल बच्चे PDF पे पढ़ लिया करते हैं या फिर इंटरनेट पे सर्च किया कर लेते हैं, और जब टीचर्स उन्हें बुक्स रिकमेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि नो मैम, आई डोंट नीड बुक्स, मैं तो PDF पे ही पढ़ लेता हूँ। लेकिन एक ये तो सर्वे में ये बात सामने आई है, और मेरे पापा एक टीचर हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जो नॉलेज आपको बुक्स दे सकती हैं वो आपको PDF या इंटरनेट कभी नहीं दे सकता। इंटरनेट पे आप वो सर आपको वो मिलता है जो आप सर्च करते हो, पर किताबें हमें कई कई बार वो चीज़ें भी बता देती हैं जो हम ढूंढ नहीं रहे थे, पर वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और घर कई आजकल बच्चे घर पे बैठ के इंटरनेट की हेल्प से पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वो मेंटल जो आपको चाहिए होती है कि हाँ मेंटल लेवल पे प्रिपेयर हो पाए स्टडीज़ के लिए, उस जगह के लिए ऐसी चीज़ के लिए लाइब्रेरीज बेस्ट होती हैं। भोपाल में बहुत कम लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, और मतलब भोपाल में जितने भी बच्चे हैं उन्हें ढंग से पता नहीं होता इन सब लाइब्रेरीज के बारे में। तो यही गुजारिश रहेगी बच्चों से कि स्कूल लाइफ से ही, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ या मेरे दूसरे फ्रेंड्स जिस स्कूल में पढ़ते हैं, सीरियसली उन स्कूल्स में एक भी लाइब्रेरी नहीं है, और वो अपने कोर्स की बुक्स के अलावा कभी और कोई बुक पढ़ते ही नहीं है, और उन्हें पता ही नहीं होता कि भोपाल में कौन सी लाइब्रेरी है, कहाँ पर है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएँ, वो पता करें कि भोपाल में कौन सी लाइब्रेरीज हैं और वहाँ पर जाके वो कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो बहुत है। आप सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप हो जाओगे। इसीलिए बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पता करें अपने भोपाल में कौन सी लाइब्रेरीज हैं, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी और जो भी दूसरी लाइब्रेरीज हैं, और वहाँ पर जाके कोशिश करें कि कोर्स की बुक्स से हट के भी कुछ पढ़ें, और खास के नॉवेल्स ज़रूर पढ़ें, और सिर्फ अपनी कोर्स की किताबें पढ़ के स्टीरियोटाइप ना बने।
तरुण सत्ता। तरुण जी बताएं कि लाइब्रेरी बुक्स का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और जिस तरह से युवा स्टूडेंट्स या कोई भी आज की जो पीढ़ी है वो बुक्स से दूर भाग रही है, उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, वो इंटरनेट पर गूगल सर्च शब्द गूगल बाबा बना रहे हैं। बुक्स का क्या आप मानते हैं कि बुक्स बेहद ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को विकसित बनाने, ज्ञानवान बनाने के लिए कितना बुक्स की इम्पोर्टेंस है? सर, जो लोग, जैसा कि आपने ठीक कहा कि लोग आजकल नॉन लिटरेचर की तरफ या बुक्स से दूर बहुत भाग रहे हैं, वो लोग भी लेटर ऑन लाइफ पर रियलाइज़ करते हैं, लेकिन जब तक वो रियलाइज़ करते हैं तब तक टाइम काफ़ी जा चुका होता है। और जो लोग पहले रियलाइज़ कर लेते हैं उनको बुक्स में ये लिखता है कि बुक्स एक ओशियन ऑफ नॉलेज है। हमारे पास यहाँ पे इस लाइब्रेरी में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, आप सब देख ही रहे हैं, और उस बुक से हमको नॉलेज मिलता है। नॉलेज का हमको रिटर्न किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़े टाइम बाद मिलता है, लेकिन नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। नॉलेज का हमको यूज़ हमारी जॉब में, हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ज़रूर मिलता है, और इनकेस हमको नहीं भी मिलता है तो भी वो हमको एक बेटर ह्यूमन बनाने में, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बनाने में, और एक ऐसी सोसाइटी जो आजकल बहुत ही अनसिविलाइज्ड वे में जा रही है उसको बेटर करने के लिए एक हमको अच्छा इंसान तो वो नॉलेज बनाते ही है। जो बुक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा लाइफ के अंदर हेल्प करते हैं, वो हमको डायरेक्शन देती है, हमको नॉलेज देती है, और हमारे लाइफ में क्या मोटिव होना चाहिए उस मोटिव को फुलफिल करने में बुक्स हमको बहुत हेल्पफुल करती हैं। हर यूथ को आज की डेट में भली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर ना करे, लेकिन समवेयर इन द लाइफ उसको अपने लाइफ में एक बुक हमेशा पढ़नी ही चाहिए, ताकि वो एक तो डाउन टू अर्थ रहे, प्लस ये जो सोशल मीडिया का आजकल एडिक्शन है उससे भी उसको दूर रहने में और रियलिस्टिक लाइफ से अटैच रहने में उसको हेल्प मिलती है।
दोस्तों ये पूरा एपिसोड लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ, किताबों से जुड़ा हुआ insidestoryindia.in ने बताने का प्रयास किया, आपको बताने की एक कोशिश की है कि जीवन में किताबों का कितना महत्व है। किताबें बेहद ज़रूरी हैं किसी भी इंसान के लिए, ज़िंदगी को जीने के तरीके सीखने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो किस तरह का लगा और आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये और अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने insidestoryindia.in चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर लें और जानें कि देश दुनिया में ऐसे भी कुछ जानकारियां हैं, ऐसा भी कुछ चल रहा है जो आप तक आपने नहीं देखा सुना, जो अब तक कहीं कोई बताया नहीं जा रहा है। तो अब आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार।